बॉडी गाइस, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शंस के बेसिक वीडियोस। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी लाइन को या फिर किसी दिए हुए लाइन को हम डिवाइड कैसे करेंगे, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, सपोज दैट वी हैव अ लाइन A and B. I don't think that it has any measure. Without any measure, we have to divide this into two equal parts. Then first of all, we will do is, तो पहला काम जो करेंगे वो क्या करेंगे कि इस लाइन का जो टोटल लेंथ है उतना या फिर उसके आधा से ज़्यादा है, या फिर टोटल लेंथ हम ले सकते हैं, टोटल लेंथ या फिर उसके आधा से ज़्यादा है। ये आधा से ज़्यादा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी मेज़र को लेकर एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे, एक चाप डालेंगे। और फिर अब एक ए पॉइंट से, अब क्या करेंगे, पॉइंट ए से, उसी लाइन के पॉइंट ए से उसे फिर काटेंगे, उसी चाप को हम काट डालेंगे, दोनों चाप को काट डालेंगे। फिर अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, इस दोनों पॉइंट्स को एक लाइन में मिला डालेंगे। और इस तरह जो हमारा लाइन है वो इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा, दो बराबर भागों में बट जाएगा। जैसे कि देखिए, इस दोनों पॉइंट्स को हम मिला डालेंगे, तो क्या हुआ कि हमारा जो लाइन है वो दोनों दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। जैसे कि ओ रख दीजिए इस पॉइंट्स का नाम, तो क्या हो जाएगा, ए ओ इज़क्ल टू ओ बी। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमको ये पता होगा कि कोई लाइन कितना सेंटीमीटर का है और उसे डिवाइड करने पर कितना सेंटीमीटर का होगा। लेट अस सी, एक लाइन हम लेते हैं 8 सेंटीमीटर का, टोटल लेंथ कितना होगा उसका 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 4-4 का दोनों पार्ट होना चाहिए। तो देखते हैं, हम लोग 8 सेंटीमीटर का एक टोटल लाइन हम लिए, टोटल 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 0 से स्टार्ट करेंगे और 8 तक लाना है, हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे दो बराबर भाग में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। फर्स्ट वर्क व्हाट विल वी डू इज, वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क, उसके लेंथ से आधा से ज़्यादा लेकर, लेंथ के आधा से ज़्यादा लेकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। काटा, अब अगले पॉइंट से काटिए, इट हैपन्स। दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, मिला डालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं अब ये मिल जाएंगे। इसका नाम दे दीजिए MNO। तो क्या होना चाहिए, टोटल कितना है 8 सेंटीमीटर का, तो MN कितना, MO कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, और ON कितना हो चाहिए
4 centimeter. Then M O should be equal to O, and let us see how it happens by measuring scale. अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं by measuring scale that it is right or wrong. Check it. Have it. Have a look here. Yes, it is purely divided into two parts. देखिए 0 to 4, 4 to 8 हो गया. टोटल कितना का है? 4 centimeter. टोटल 4 centimeter. इट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स. दैट इज़ 4 centimeter एंड 4 centimeter. यू कैन ऑल्सो डू दिस. तो बनाइए अगला क्वेश्चन. तो हमको आप करके दिखाइए. 9 centimeter का एक लाइन लीजिए जिसको हमें टू पार्ट्स में डिवाइड करिए. तो कितना होना चाहिए? 4.5 सेंटीमीटर का. तो करिए कॉपी पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ या नहीं, 4.5 सेंटीमीटर वो डिवाइड हुआ या फिर नहीं. तो करिए और बताइए. और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू डिवाइड एन एंगल इंटू टू इक्वल एंगल्स. हाउ टू डिवाइड एन एंगल इंटू टू इक्वल एंगल्स. तब तक के लिए धन्यवाद. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए द रियल कंसेप्ट. थैंक यू सो मच.